नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आज पंचमुखी हनुमान आश्रम मंदिर पर श्री श्री 1008 महंत भैयू जी महाराज का आगमन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने पंचमुखी हनुमान मंदिर पर पहुंचकर दर्शन किए, साथ ही संत महा सियाराम जी महाराज से मुलाकात की। इस अवसर पर हमने भी श्री श्री 108 महंत भैया जी महाराज से एक विशेष चर्चा की और उनसे बातचीत की। इस अवसर पर हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा द्वारा महाराज जी से विशेष चर्चा की गई। आपको बता दें कि महाराज जी का आनंद धाम नाम से आश्रम फरीदाबाद हरियाणा बिंद्रावन बुलंदशहर में, जहाँ पर गौशाला भी है। मैं जितेंद्र शर्मा अक्षत न्यूज से। आज बड़े हर्ष का विषय है, हमारे यहाँ पंचमुखी आश्रम नंदिनी गौशाला पे ऐसे संतों का समागम हुआ है जिनके 96,000 अनुयायी हैं और 7 आश्रम हैं जो कि पूरे देश भर में संचालित हैं। और ये भैया जी महाराज जी के नाम से पूरे देश में विख्यात हैं और ये महामंडलेश्वर जी हैं और श्री 1008 की इन पे पदवी है। और इसी बीच में आज हमारे पितृपक्ष के अंतिम दिन में आज इनका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमारे गुना नगर के लिए और पावन धरा पे ऐसे ऐसे संतों का आगमन हुआ ही हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। आइए मैं आपसे श्री भागवत गीता के प्रवक्ता भैया जी महाराज जी से आपका साक्षात्कार कराते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। राधे राधे। भगवान की कृपा हुई और हमारे प्यारे सखा सिया रामदास जी का प्रेम हमें यहां तक खींच कर लाया। वैसे तो मैं यहां दूसरी बार आया हूं, लेकिन कहा गया है हम लोग जो उपासक हैं वो ग्वारिया के उपासक हैं। हमारे भैया तो राम जी के उपासक हैं। तो कल हम शिवपुरी में थे, वहां संत समाज में एक प्रसंग चल रहा था कि इष्ट जो भी है वो श्रेष्ठ होता है, जिसका जो भी इष्ट है जी। तो हमारे तो देव इष्ट भगवान श्री कृष्ण, लेकिन इसमें एक आनंद भी है क्योंकि ग्वारिया शब्द से मैंने संबोधित किया है भगवान को, जो ग्वाल वालों के संग में रमणीय है। और एक और उनकी विशेषता है कि छचियावर छाछ पे नाच नचावर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गौरस के, छाछ गौरस है यानी जो गौरस के पीछे बिक जाता है उससे ज्यादा सरल और क्या होगा। बहुत सुंदर। तो वहां कहा कि आप रामानंदी है या श्यामानंदी है। मैंने कहा भैया ना तो हम रामानंदी है ना श्यामानंदी है, हम तो केवल उनके प्रेमी हैं। भगवान ने समय समय पर सृष्टि में जब जब राक्षसों की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया राक्षसों ने, तो उस वरदान की पूर्ति के लिए निज इच्छा निर्मित तनु भगवान की स्वयं की इच्छा है, कोई अवतार का हेतु नहीं है। भगवान की क्या है? स्वयं की इच्छा है।
और स्वयं की इच्छा से वो प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। लेकिन भगवान के उस रूप की आराधना की जाए जो सरल हो। जैसे दो महात्मा कहने लगे कि हमारे तो राम जी श्रेष्ठ हैं, एक कहने लगे हमारे तो कृष्ण श्रेष्ठ हैं। तो भगवान ने सोचा कि मेरे दोनों ही भक्त हैं, कहीं विवाद लंबा ना हो जाए। तो दोनों जने कहने लगे अरे ऐसा करते हैं कि श्रेष्ठता की पहचान जब करेंगे, दोनों को बुलाते, जो कृष्ण उपासक थे उन्होंने कृष्ण को बुलाया और जो राम उपासक थे उन्होंने राम को बुलाया। लेकिन देखने में मिला कि भगवान कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। अब भगवान ने सोचा कि यदि दोनों भक्तों के बीच में कोई वैमनस्य प्रकट हो गया बड़ी हानि होगी। तो भगवान एक साधु का रूप बनाकर और आ गए। तो संत महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहने लगे ओ, 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 और संतो क्या कैसे यहाँ दोनों जने बे? अरे प्रभु भी हैं यहाँ पर, जय हो जय हो जय। जो प्रभु राम के उपासक थे उनके मन में गिलानी महसूस होने लगी कि मेरे भगवान तो आए नहीं, मेरे इष्ट तो आए नहीं, और ये जल्दी आ गए कृष्ण, यानी ये इसका भजन सिद्ध है या मेरे प्रभु में उतना दम नहीं है, उसे सोच शंका। जी। तो जो भगवान के रूप में साधु आए हुए थे उन्होंने कहा अरे देखो उधर से धूल उठ रही है, ऐसे लग रहा है कोई रथ पे सवार होकर आ रहा है। अब वो रथ पर सवार होकर आ रहा है, देखने लगे तो स्वयं प्रभु राम एक हाथ में धनुष एक हाथ में बाण और चले आ रहे हैं रथ पर सवार। तो प्रभु राम से वो भगत कुछ कह पाता कि मेरी बेइज्जती हो गई, आप समय से नहीं आए, जिज्ञासा। उतनी देर में वो जो संत के रूप में भगवान प्रकट थे उन्होंने कहा वाह वाह, समय तो लगी जाता है, अयोध्या से आई जी। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो ये कहने ही वाला था कि प्रभु राम इतनी देर क्यों लगा दी, अरे पगले ये तो ग्वारिया है जी, ये तो ग्वारिया है ना, तो यार सजने में देर लगे ना सवरने में देर लगे, जैसो बैठो वैसो ही प्रकट है वो, और तूने बुलाया अयोध्या नाथ। तो अयोध्या नाथ तो अयोध्या नाथ की तरह आएंगे ना, राजा के भेष में राजा आएगा, राजा तो राजा के भेष में आएगा। यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर और एक गूढ़ रहस्य बताया है जो कि ये आध्यात्म के क्षेत्र से ही आता है, ये कहीं लिखा है और विधिवत शास्त्रों में नहीं है। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, ये वाक्य तो है ही, लेकिन गुरुदेव ने आप देखिए श्री कृष्ण और राम जी को किस परिभाषित किया है कि एक राजा राम है जो कि अयोध्या के नाथ हैं और एक श्री कृष्ण जो कि ग्वाला, जो अपनी देहाती भाषा में गुरुदेव ने बताया ग्वालिया ग्वालिया, तो उनका कितना अच्छा और आप देखिए परिभाषित किया है गुरुदेव ने, और ये तो कृपा पात्र हैं गुरुदेव, तो वही आध्यात्म की चीज को समझ सकते हैं। गुरुदेव ने यहाँ दोनों को ऐसा बताया कि भय प्रकट कृपाला, तो देखिए अयोध्या नाथ राजा हैं, उनको आना पड़ता है अयोध्या से चल के, जैसा कि हम व्यवहारिक दृष्टि से भी माने डिस्टेंस का भी अंतर है मथुरा और अयोध्या में, और उस हिसाब से देखें राजा आएंगे तो उनके श्रृंगार होगा और उनकी आव भगत होगी, तो इसलिए उन्होंने उनका टाइम का बताया। और कृष्ण भगवान जो कि टेढ़े भी हैं और सरल भी हैं और तुरंत खड़े हैं भक्तों के लिए, आपने द्वारकाधीश की प्रतिमा को भी देखा होगा, वो साक्षात खड़े हुए हैं, जैसे ही भगत उनको याद करता है तो वो प्रकट हो जाते हैं, उनको ना किसी के साथ संगार की आवश्यकता है, वो तो हमेशा तैयार हैं, नटखट हैं और प्रेम बस हैं। तो प्रेम की परिभाषा गुरुदेव ने यहाँ बताई,
बहुत ही सुंदर चित्रण किया। अब हम गुरुदेव से अभी नव पारायण स्टार्ट हो रहे हैं नवदुर्गा, और गुरुदेव ने यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताई जो कि मैं मिस कर रहा हूँ, तो अतिशयोक्ति होगी। यहाँ गुरुदेव ने ईष्ट का बोला, जो कि सबसे बड़ी प्रबल बात है। ईष्ट जिसका प्रबल होता है उसका गुरु उसका प्रबल होता है, गुरु भी उसी का साथ देते हैं जिसका ईष्ट भक्ति और एक पर विश्वास होता है। बोलते हैं एक को साधे सब सधे, वो गुरुदेव ने बहुत ही संक्षेप में हमको बताया और गुरु के मार्गदर्शन में हमको आज ये बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। अब गुरुदेव से हम थोड़ा नव पारायण कल से स्टार्ट है माँ भगवती के, उनके बारे में भी थोड़ा गुरुदेव से जानकारी प्राप्त करेंगे। नव पारायण पाठ। दुर्गा माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा, आप लोगों को शायद ज्ञात हो या ना हो, गोपियां जो रास में गई थी, जिन गोपियों ने रास में प्रवेश किया, तो वो गोपियां कौन थी जी? जिन्होंने मां भगवती जगदम्बा की आराधना की थी। नवरात्रे चार बार आते हैं, दो गुप्त और दो प्रकट। तो जो माघ महीने के गुप्त नवरात्रे होते हैं, उसमें गोपियों ने मां भगवती जगदम्बा मां कात्यायनी की आराधना की थी, जिसमें चीरहरण की घटना घटी, जो चीरहरण हुआ था। तो जब चीरहरण के पश्चात मां भगवती की आराधना करने पहुंची, तो उन्होंने कहा हमें, मां भगवती ने पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा हमें हमारा कृष्ण दे, हमें हमारा कृष्ण चाहिए, क्योंकि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम उदो हमें कृष्ण से ही काम है, हमें कृष्ण दे दो। तो मां भगवती ने वरदान दिया कि जब प्रभु 11 वर्ष के होंगे तब तुम्हें उनकी प्राप्ति होगी। ये इतना मैंने आप लोगों को क्यों समझाया, क्यों मां भगवती जगदम्बा से जो व्यक्ति जिस कामना से आराधना करता है वो उसी कामना की पूर्ति करती है। अब ये तुम्हारी भावना है कि कल व्रत प्रारंभ करने से पहले तुम्हारे मन में कौन सा संकल्प होगा, और जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक विकल्प कहां से प्रकट होगा। तो पहले आप संकल्प धारण करें, और जब आप संकल्प धारण करेंगे तो विकल्प तो अपने आप प्रकट हो जाएंगे। मां भगवती जगदम्बा पराम्बा, जो आप उनसे मांगे, क्योंकि वो तीन रूप में विभक्त है। गुरुदेव ने यहाँ देखिए माँ और बेटे का कितना अच्छा सुंदर चित्रण किया है कि आप माँ से किस प्रकार मांगते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ गुरुदेव ने जो संकल्प लिया है वो संकल्प ये नहीं, माँ से जिद भी हो सकती है, लाड़ भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है। मांगना आपको है, आप किस व्यवहार को देखते हुए माँ से किस नाते के रूप में आप मांगते हैं। और माँ जैसा कि गुरुदेव ने बताया, माँ जगत जननी है, माँ अम्बा है, और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को पालनहारी है, माँ ने उनको तक रचयिता बनाया है। तो माँ की शब्द मेरे पास कम है माँ के बारे में बताने का, तो गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अब गुरुदेव से हम थोड़ा भक्ति पे भी चर्चा करेंगे, हम ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, गुरुदेव को ये भी प्रस्थान करना है, तो गुरुदेव से दो मिनट और भक्ति के और बारे में पूछेंगे। आप थोड़ा भक्ति के, सरल भक्ति के बारे में और गुरुदेव बताएं। भागवत जी में देवहूति और कपिल मुनि के संदर्भ में आया है भक्ति और ज्ञान। भक्ति बिल्ली के बच्चे की तरह होती है और ज्ञान बंदर के बच्चे की तरह होता है। बिल्ली का बच्चा जिस मुख से दांतों से वो चूहे को फाड़ कर अपना ग्रास बनाती है, उसी मुख से अपने बच्चे की गर्दन पकड़ के उसे सोलह घर घुमाती है। लेकिन बच्चा आश्रित रहता है अपनी माता की,
उसे डर नहीं है, भय नहीं है। डर, भय, संकोच ये मन की वृत्तियां हैं। तो जहां भक्त होता है उसे ना डर होता है, ना भय होता है, ना संकोच होता है। क्यों? क्योंकि वो आश्रित है। भक्त सदैव आश्रित रहता है भगवान के। ज्ञानी, ज्ञान है उसे, वो है बिल्ली के बच्चा नहीं है, वो कौन है? बंदर का बच्चा। बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा ही उसे पकड़ता है। छलांग लगाते समय बच्चा गिर जाए, मर जाए, चोट लग जाए, कोई आघात हो जाए, तो उसमें बंदरिया की गलती नहीं है जी। उस बच्चे की गलती है। क्यों? क्योंकि पकड़ना जानता है जी। तो भक्ति का पंथ क्या है? भगवान के आश्रित। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। राधे राधे। देखिए, गुरुदेव ने आज हमको इतना अच्छी बातें बताई और अध्यात्म के क्षेत्र की तरफ जोड़ा है। हम तो और काफ़ी समय चाहते थे और ऐसा लग भी नहीं रहा कब समय निकल जाता। आज गुरुदेव को प्रस्थान करना है, लेकिन हम गुरुदेव से ऐसी विनती करते हैं कि आगामी अगले जब भी आएंगे तो हमको उनका सानिध्य प्राप्त होगा और उनकी कृपा दृष्टि आशीर्वाद तो हमारे साथ है। इसी के साथ मैं बहुत शुभकामना देता हूँ। जय श्री राधे राधे। आपको बता दें कि महाराज जी का फिर यहाँ से प्रस्थान हुआ और आप देख रहे हैं कि हनुमान मंदिर आश्रम पे महाराज जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। इस अवसर पर मानसिया राम जी महाराज सहित यहाँ पर मुकेश शर्मा जी उपस्थित रहे, जिन्होंने महाराज जी को विदाई दी। आप देख रहे हैं कि महाराज जी अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं। इस मौके पर महाराज जी ने मुकेश शर्मा जी से बातचीत की, उनके हालचाल जाने, उनको अपना आशीर्वाद भी दिया। इस अवसर पर महान सियाराम जी महाराज भी उपस्थित थे। आप देख रहे हैं कि सियाराम जी महाराज और मुकेश शर्मा जी से वो विशेष चर्चा करते हुए महंत भैया जी महाराज, और आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये दृश्य है जहाँ पर महंत सियाराम जी महाराज और भैया जी महाराज और अब महाराज की गाड़ी में बैठ के यहाँ से पंचम के हनुमान से आश्रम से विश्राम कर रहे हैं।